हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9 के साइंस में हमने चैप्टर नंबर 1 एंड 2, वो केमिस्ट्री का था, वो हमने खत्म कर दिया था। ठीक है, चैप्टर 1 था मैटर एंड चैप्टर 2 था इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 एंड 2 हमारा हो गया था। आज हम फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8 मोशन। ठीक है, हम फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8 मोशन। ठीक है, तो पहले तो वर्ड समझते हैं मोशन। पहले हम वर्ड समझते हैं मोशन। तो मोशन का मतलब क्या, तो अभी मैं आपको समझा रही हूँ, लिखने के लिए यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे आई, फिर मैं यहाँ पे घूमती घूमती आपको समझा रही हूँ। इसका मतलब है कि मैं मोशन में हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हूँ, दैट मीन्स कि मैं मोशन में हूँ। ऐसे सारे ऑब्जेक्ट का होता है ना, आप बाइक पे जाते हो, स्कूटर पे जाते हो, कार में जाते हो, बस में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो, इसका मतलब क्या है कि आप मोशन में हो। बर्ड्स फ्लाई करते हैं, एक ट्री से दूसरी ट्री पे जाते हैं फ्लाई करते हुए, तो बर्ड मोशन में है। समझ में आ रहा है, बर्ड क्या है, मोशन में है। मछली फिश है, वो वॉटर में स्विम करती है, एक जगह से स्विमिंग करके दूसरी जगह पे जाती है वॉटर में, तो फिश भी मोशन में है। ठीक है, तो किसी की मोशन हमें दिखाई देती है और किसी ऑब्जेक्ट की मोशन नहीं भी दिखाई देती है। जैसे कि मैं यहाँ पे चलती चलती आपको समझा रही हूँ, यहाँ पे गई, फिर चलते मैं यहाँ पे आई, तो मेरी मोशन आपको दिख रही है ना, मैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर आई तो मेरी मोशन आपको दिख रही है। बर्ड फ्लाई करते हैं तो बर्डिंग बर्ड फ्लाई करते हैं तो बर्ड की मोशन हमें दिखती है। ठीक है, फिश है वो वॉटर में स्विमिंग करती है तो फिश की मोशन हमें दिखती है। ठीक है, बट एयर भी मोशन करती है तो आपको दिखता है, नहीं दिखता। एयर की मोशन हमें दूसरी चीजों के ऊपर से देखनी पड़ती है, जैसे कि एयर चल रही हो तो उसमें आपको 10 पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हुए दिखेंगे, तो ये 10 पार्टिकल की वजह से आपको पता चलेगा कि एयर है वो मोशन में है। या तो झाड़ के पत्ते हिल रहे हो, लीव्स ट्री के लीव्स हिल रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि विंड है, विंड मतलब एयर का मोशन। आया समझ में? तो कोई ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हमारा है, फिश का मैंने एग्जांपल दिया, मैंने आपको बर्ड का एग्जांपल दिया, तो ये मोशन है वो आपको दिखती है। ठीक है, और एयर की मोशन है वो हमें दिखती नहीं है। अगर वहां पे डस्ट भी ना हो, ट्रीज भी ना हो और विंड चल रही हो, तो आपको विंड छुएगा तो आपको पता चलेगा कि एयर मोशन में है। अदरवाइज आप किसी बंद कमरे में हो, ठीक है, और विंडो कांच की हो और उसमें से आप देख रहे हो, बाहर आपको डस्ट पार्टिकल भी उड़ते हुए ना दिखे हो, बाहर कोई ट्री भी ना हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि एयर है वो मोशन में, आपको एयर दिखती है नहीं दिखती। ठीक है, तो वहां पे डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए दिखेंगे, या तो कागज का छोटा टुकड़ा ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा, या तो ट्रीज है तो उसके लीव्स हिलते हुए दिखेंगे। तो इसी तरह से आपको दूसरी चीजों का रेफरेंस लेके उसकी मोशन देखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, किसी की मोशन दिखती है तो किसी की मोशन नहीं दिखती। ठीक है, और दूसरा मैं आपको भी बोलती हूँ कि आपकी बॉडी में, हमें पता है कि ब्लड हार्ट में से बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाता है, ये 7th स्टैंडर्ड में और 8th स्टैंडर्ड में हमने देखा है। ठीक है, हार्ट में से वेन्स और आर्टरीज के थ्रू हार्ट में से ब्लड हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे सर्क्यूलेट करता है, किसकी मदद से, वेन्स और आर्टरीज की मदद से। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में ब्लड है वो मोशन में है। कोई भी चीज अगर अपनी प्लेस चेंज करे तो वो मोशन में है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मेरी बॉडी में ब्लड अंदर मोशन में ही होगा। आप बैठ के पढ़ रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो आपकी बॉडी में भी ब्लड है वो अंदर मोशन में होगा, वेन्स और आर्टरीज में भी। ठीक है, तो आप ऐसे देखो तो हमें पता है कि अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, पता है ना, अर्थ है वो सन के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है, वो रोटेशन भी करती है, रिवॉल्व और रोटेशन दोनों करती है। अर्थ के अराउंड रोटेशन करती है और अपनी ही एक्सिस पे वो रिवॉल्व करती है। अर्थ है वो सन के अराउंड रोटेशन करती है और अपनी ही एक्सिस पे वो रिवॉल्व करती है, तो अर्थ भी कंटिन्यूअसली मोशन में है। तो आप ऐसे देखो ना, तो यूनिवर्स में कोई भी चीज स्टेडी नहीं है, यूनिवर्स में कोई भी चीज स्टेडी नहीं है, सारी चीजें मोशन में है। अभी मैं आपको यहाँ पे एक जगह पे खड़ी होके समझा रही,
कर रही है तो मैं भी अर्थ के साथ मोशन कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हुआ दूसरा ये कि आपको एक चीज की मोशन, एक पोजीशन पे कोई चीज स्टेडी हो ऐसा दिखेगा तो दूसरी पोजीशन पे वो मोशन में हो ऐसा दिखेगा। जैसे कि अगर आप एक कार में बैठे हो, आप एक रोड पे जा रहे हो, रोड की साइड में एक ट्री है, रोड की साइड में क्या है, एक ट्री है। आप कार में बैठे हो, आपकी कार जा रही है आगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी कार के कंपेरिजन में ट्री है वो पीछे जा रहा है। आपने कभी नोटिस किया है, देखा है, रोड की साइड में एक ट्री हो और आप कार में जा रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी कार आगे नहीं जा रही है, वो ट्री पीछे जा रहा है, आपको ऐसा लगेगा। दैट मीन्स कि आपकी कार की कंपेरिजन में वो ट्री मोशन में है ना। पर बाहर जो कार के बाहर जो इंसान, रोड के नीचे जो इंसान खड़ा है, उसे ऐसा लगेगा कि उसकी बाजू का जो ट्री है वो ऐसे ही खड़ा है, उसके लिए वो ट्री स्टेडी मोशन में है और कार है वो मोशन में है, ठीक है। उसके लिए वो ट्री स्टेडी कंडीशन में है और कार है वो मोशन में है, बट कार में बैठा हुआ जो इंसान है उसके लिए वो ट्री और बाहर खड़ा हुआ उस इंसान, उसे ऐसे लगेगा कि वो पीछे जा रहे हो, उसकी कार वहीं पे खड़ी है, ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आप रखोगे तो अलग अलग चीजें आपको स्टेडी या तो मोशन में दिखेगी, ठीक है। आप अगर ट्राई करना हो तो कर सकते हो, ठीक है। आप कार के बाहर खड़े रह के देखो, आपके पास जो चीज होगी वो आपको वहीं पे वहीं दिखेगी, आपको ऐसा लगेगा कि ये स्टेडी है, और वही चीज वहीं पे रख के आप कार में बैठ के देखोगे एक बार, और कार चला के आप देखोगे या तो कोई चला रहा है, आप कार में बैठे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी कार आगे नहीं जा रही है, वो चीज वो जहां पे रखी थी वो पीछे जा रही है, ऐसा आपको लगेगा। तो दो पॉइंट ऑफ व्यू आपने देखा, ठीक है। तो दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक ही चीज या तो आपको स्टेडी भी लग सकती है या तो मोशन में भी लग सकती है, ठीक है। फिर अर्थ है वो सन के अराउंड रोटेशन करती है, अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करती है, तो अर्थ भी कंटिन्यूअसली मोशन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे यूनिवर्स की कंपेरिजन में अर्थ पे ऊपर जो भी चीजें थी, हम खड़े हैं, ये स्कूल का बिल्डिंग है, आपके घर का बिल्डिंग है, कोई भी अर्थ के ऊपर की कोई भी चीज है, वो पूरे यूनिवर्स की कंपेरिजन में मोशन में है, क्योंकि अर्थ खुद रिवॉल्व कर रही है, तो उसके साथ साथ अपने ऊपर की चीजों को भी वो रिवॉल्व कर रही है। आया समझ में? तो पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज कभी भी स्टेडी मोशन में, स्टेडी कंडीशन में नहीं होती। आ गया इतना सबको समझ में, ठीक है। अब मोशन क्या है वो समझ में आ गया। अब आपके घर से आपको स्कूल पे आना है और कोई व्यक्ति आपको, कोई पूछ रहा है, आपके बाजू वाला आपको पूछ रहा है कि तुम्हारे स्कूल का डिस्टेंस क्या है, आपकी स्कूल का डिस्टेंस क्या है, वो आपको पूछ रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि मेरे घर से मेरी स्कूल 2 किलोमीटर दूर है, मेरे घर से मेरी स्कूल 2 किलोमीटर दूर है। तो ऐसा जरूरी है कि आपके घर से आपकी स्कूल 2 मीटर है तो आपके दूसरे फ्रेंड के घर से भी वो 2 किलोमीटर ही होगी, ऐसा जरूरी है? नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि स्कूल से किसी का घर नजदीक में होता है तो किसी का घर दूर होता है, तो हर एक इंसान के घर से स्कूल का डिस्टेंस है वो आपको अलग अलग मिल सकता है। समझ में आया? वो आपको अलग अलग मिल सकता है। तो आपने ऐसा एग्जाम्पल लिया। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि किसी सिटी की हम बात कर रही है, सिटी का एक रेलवे स्टेशन है और एक टेम्पल है। हमने सिटी का एक रेलवे स्टेशन लिया और एक टेम्पल लिया, तो हमने ऐसा बोला कि टेम्पल है वो रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। यहाँ पे सिटी का क्या है, रेलवे स्टेशन, ऐसे लिख रही हूँ, मतलब रेलवे स्टेशन। यहाँ पे क्या है, सिटी का रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे कहीं पे आया है टेम्पल, क्या आया है, टेम्पल। तो ये रेलवे स्टेशन और टेम्पल के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर, ठीक है। अब आप टेम्पल की जगह पे कोई एक चीज और कोई चीज देख रहे हो, सपोज कि रेलवे स्टेशन से आप देख रहे हो एयरपोर्ट, क्या देख रहे हो, एयरपोर्ट यहाँ पे, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन से टेम्पल है वो 3 किलोमीटर है, पर रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट है वो 5 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से टेम्पल है वो 3 किलोमीटर है, पर रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट है वो कितना है, 3 किलोमीटर है। तो आपने देखा कि दोनों चीजों का, टेम्पल और एयरपोर्ट का डिस्टेंस आपने कहाँ से मेजर किया, रेलवे स्टेशन से। टेम्पल और एयरपोर्ट का जो डिस्टेंस था वो आपने कहाँ से मेजर किया, रेलवे स्टेशन से।
तो रेलवे स्टेशन आपका हुआ रेफरेंस पॉइंट। रेलवे स्टेशन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है कि कोई एक प्लेस को आप फिक्स कर दो और उसके कंपैरिजन में दूसरी अलग अलग चीजों का आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो जो फिक्स पोजीशन थी उसे हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे हमने फिक्स क्या रखा, रेलवे स्टेशन। उसके हिसाब से हमने दो अलग अलग चीजों टेम्पल और एयरपोर्ट का डिस्टेंस किया, तो रेलवे स्टेशन हमारा फिक्स था तो वो क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट। आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, तो कोई एक चीज को, कोई एक पॉइंट की, कोई एक चीज को आप उसकी पोजीशन को आप क्या रखोगे, फिक्स रखोगे, और उसी पोजीशन से दूसरी अलग अलग चीजों का आप डिस्टेंस मेजर करोगे, तो वो जो फिक्स पोजीशन थी उसे हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब दूसरी चीज मैं आपको एक समझा रही हूँ। होती हुई कहां तक आ रही है, सी तक आ रही है, तो यहां से ए से
स्टार्ट करके सी तक उसका कितने किलोमीटर होंगे, ए से लेकर सी तक उसके कितने किलोमीटर ट्रैवल होंगे काउंट करो। ये 5, 5 प्लस 5, 10, 10 प्लस 5, 15, 15, 20, 25, 30 एंड 35। तो जब वो ओ से ए तक ट्रैवल किया तब उसने 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, और फिर से वो रिवर्स में ए से सी तक जा रही है तो उसने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, 35 किलोमीटर ट्रैवल किया। कितना ट्रैवल किया, 35 किलोमीटर ट्रैवल किया। फिर से वो सी से बी तक आ रही है, कहाँ तक आ रही है, सी से फिर रिवर्स लेके वो कहाँ तक आ रही है, बी तक आ रही है। कहा सी से कहाँ तक आ रही है, बी तक आ रही है, ठीक है। तो वो कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। पहले उसने ओ से स्टार्ट करके ए तक ट्रैवल किया, कितना, 60 किलोमीटर। फिर रिवर्स लेके ए से सी तक ट्रैवल किया, कितना किलोमीटर, 35। फिर अगेन सी से उसने बी तक आया तो उसने कितना ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर। तो सबका टोटल 60 प्लस 35 मतलब 95, 95 प्लस 10 मतलब 105 किलोमीटर। इसे हम बोलेंगे डिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसे, डिस्टेंस। कार ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 105 किलोमीटर। ओ से पहले ए तक गई, ए से फिर सी तक आई, सी से बी तक, तो उसका टोटल डिस्टेंस ट्रैवलिंग कितना हुआ, 105 किलोमीटर। तो आ गए सबको समझ में, जितना भी उसने ट्रैवलिंग किया उन सबको मिला तो वो पूरा डिस्टेंस, ठीक है। जितना भी उसने ट्रैवल किया उन सबको मिला तो उसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस। आ गया समझ में। अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, समझो ध्यान से। कार पहले कहां तक गई थी, देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल और मिनिमम डिस्टेंस कवर, मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल और मिनिमम डिस्टेंस कवर, उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो पहले कार ओ से लेके कहां तक गई थी, ए तक, ए से फिर कहां तक आई थी, सी तक, सी से फिर कहां तक आई थी, बी तक। तो ओ की कंपेरिजन में देखो तो कार तो ओ से बी तक ही पहुंची ना, पहुंची कहां, ओ से बी तक। भले ही वो पहले ए तक गई थी, वहां से सी आई, फिर सी से फिर बी गई, पर ओ की कंपेरिजन में देखो तो वो तो सिर्फ बी तक ही गई है, कहां तक गई है, सिर्फ बी तक ही गई है। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, 35 किलोमीटर। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस कवर है उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में आपको, ठीक है। वो अलग अलग जगह जगह पे जाके फिर के घूम के फिर वापस उसी पॉइंट पे आ जाए तो रेफरेंस से उसका जितना मिनिमम डिस्टेंस होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कार ओ से निकली, ए पे घूम के, सी पे घूम के फिर बी पर आई, भले ही उसने कितना भी घुमा हो, डिस्टेंस उसने कितना भी कवर किया हो, पर फाइनल लास्ट में तो वो कहां तक आई, बी तक ही आई। तो ओ से बी तक का जो डिस्टेंस होगा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ओ से बी तक का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा उसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। आ रहा है समझ में। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रही हूं, पर अगर आप ऐसे स्ट्रेट लाइन में कोई रोड अवेलेबल नहीं है, बट अगर स्ट्रेट
का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस था उसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। आ गया समझ में? ठीक है, फिर वो घूम फिर के कहीं से भी आया, घूम फिर के कहीं से भी आया हो, डिस्टेंस 5 किलोमीटर होगा, ठीक है, बट उसका स्ट्रेट लाइन क्या, उसके बीच का दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 किलोमीटर का, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 किलोमीटर। अगर आप दो दो सबको समझ में, ठीक है, घूम फिर के जितना भी आप ट्रैवल करते हो वो होगा डिस्टेंस, और दो पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेट लाइन, दो पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेट लाइन डिफरेंस होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। आ गया समझ में? ठीक है, और दूसरा क्या है, सुबह आप घर से निकले 5 किलोमीटर आपने ट्रैवल करके आप स्कूल पे पहुंचे, 5 किलोमीटर आप ट्रैवल करके स्कूल पे पहुंचे, ठीक है, अब 1 बजे आपकी स्कूल से छुट्टी होती है, 1 बजे आपकी स्कूल से छुट्टी होती है, तो आप क्या करोगे, वही रास्ते से फिर आप स्कूल से घर तक जाओगे, वही रास्ते से फिर आप स्कूल से कहां तक जाओगे, घर तक जाओगे, तो एट द एंड ऑफ द डे आप वापिस कहां पे आ गए, घर पे आ गए, ठीक है, तो पूरे दिन का आपको कहीं पे नहीं जा रहे हो, सिर्फ सुबह घर से स्कूल तक जा रहे हो और 1 बजे स्कूल से घर तक आ रहे हो, फिर आप कहीं पे भी नहीं जा रहे हो, ऐसा अज्यूम करो, ठीक है, अब फिर आप घर से कहीं पर भी नहीं जा रहे हो, तो आपको पूरे दिन का डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, एक बार 5 किलोमीटर जब आप स्कूल जाते हो तब, और दूसरी बार 5 किलोमीटर जब आप स्कूल से घर आते हो तब, तो सुबह का 5 किलोमीटर और दोपहर का 5 किलोमीटर, पूरे दिन का आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर, कितना ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर, बट एट द एंड ऑफ द डे आप वापिस कहां पे आए, घर पे आए, मतलब कि आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0, ये निकल जाए, ये क्या हो जाएगा, निकल जाए, आपने सुबह घर से गए दोपहर को फिर घर पे वापिस आ गए, इसका मतलब पूरे दिन का आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, जहां से स्टार्ट किया था घूम फिर के वहीं पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0, और घूम फिर के जितना भी आपने डिफरेंस लिया वो डिस्टेंस। आ गया समझ में? ठीक है, आप सुबह घर से निकल के स्कूल गए 5 किलोमीटर, 1 बजे छूट के 5 किलोमीटर फिर घर पे आए, तो टोटल आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, सुबह का 5, दोपहर का 5, 10 किलोमीटर, ठीक है, बट सुबह घर से निकल के स्कूल गए थे, शाम को वापस घर पे आ गए, तो घर से आप घर पे ही आ गए, वो ही पॉइंट पे वापस आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। आ गया समझ में? तो घूम फिर के पे वही पॉइंट पे आते हो तो डिस्प्लेसमेंट 0, अगर वही पॉइंट पे नहीं आते हो तो दूसरे पॉइंट का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, घूम फिर के नहीं लेना, स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस होता है ये स्ट्रेट लाइन वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अब समझ में आ गया सबको क्या डिस्टेंस है और क्या डिस्प्लेसमेंट है? आ गया सबको समझ में? ठीक है, और दूसरा एक चीज आपको समझा रही हूँ कि ये तो हुई स्ट्रेट लाइन मोशन, ये क्या हुई, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, और इसे भी हम स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं क्योंकि रोड पे हम सीधा ही जा रहे हैं, ठीक है, पर अगर मैं अर्थ का मोशन लू अराउंड सन, सन के अराउंड अर्थ क्या करती है, रिवोल्यूशन करती है, सन के अराउंड अर्थ क्या करती है, रिवोल्यूशन, तो वो क्या करती है, सन को सेंटर रख के उसके आसपास घूमती है, सन को सेंटर रख के वो उसके आसपास घूमती है, तो ये जो अर्थ का मोशन हुआ ना उसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो एक सन को सेंटर रख के सर्कल बना रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन, क्या बोलते हैं उसे, सर्कुलर मोशन, तो स्ट्रेट पाथ भी मोशन हो सकता है और सर्कुलर मोशन भी हो सकता है। अगर सबको समझ में, अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्या देखेंगे हम, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सबसे पहला हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, सपोज कि एक कार है उसने 10 मिनट्स में 4 किलोमीटर ट्रैवल किया, एक कार ने सुबह सात बजे स्टार्ट किया उसने 10 मिनट में 4 किलोमीटर ट्रैवल किया, अगेन उसने फिर से 10 मिनट में 4 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर तीसरी बार भी उसने 10 मिनट में 4 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर चौथी बार भी उसने 10 मिनट में 4 किलोमीटर स्टार्ट किया ट्रैवल किया सॉरी ठीक है चार अलग अलग बार उसने हर बार 10 मिनट में
किया। तो इस टाइप की जो मोशन होती है ना उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल मतलब टेन, इक्वल टाइम इंटरवल मतलब कि सेम टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर होता है तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब वही कार को, अब इसके बाद वही कार को कहीं पे ट्रैफिक बीच में आ रहा है, या तो ट्रैफिक सिग्नल बीच में आ गया तो वहां पे थोड़ी देर उसे रुकना पड़ेगा, या तो बीच में ट्रैफिक आ गई तो कार धीरे धीरे चलानी पड़ेगी, ठीक है। तो पांचवी बार जब वो 10 मिनट में ट्रैवल करता है तो वो 2 किलोमीटर ही ट्रैवल कर पाता है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। रास्ते में उसे ट्रैफिक बीच में आ जाती है तो वो 10 किलोमीटर में सिर्फ, सॉरी 10 मिनट में सिर्फ 2 किलोमीटर ट्रैवल कर पाता है। उसके बाद फिर से वो 10 मिनट में ट्रैवल करेगा तो अब इसकी कंपैरिजन में उसे कम ट्रैफिक मिल रही है, तो सपोज कि वो 3 किलोमीटर ट्रैवल कर पाता है। तो इस टाइप की जो मोशन होती है उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे उसे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हुआ तो उसे क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, सब में देखो 10 मिनट में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। बट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो पाता तो उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म को हम दूसरी तरीके से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। सपोज कि आपने यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन सेम लिया है, उसकी जगह पे आप डिस्टेंस भी सेम ले सकते हो, ठीक है। पहली बार उसे ट्रैफिक बीच में आया तो 2 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसे 10 मिनट लग। अब मैं ले रही हूँ डिस्टेंस कॉमन, इन दोनों में क्या लिया था, टाइम कॉमन लिया था कि 10 मिनट में पहले 2 किलोमीटर और दूसरी बार 3 किलोमीटर, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, डिस्टेंस को कॉमन ले रही हूँ। पहला 2 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए ऐसे लिख रही हूँ, पहला 2 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसे 10 मिनट लगा क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा है, ठीक है। फिर ट्रैफिक थोड़ी कम हो गई तो बाकी का 2 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसे 1 मिनट लगा क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा कम हो गया था, ठीक है। ज्यादा ट्रैफिक था तब 2 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसे 10 मिनट लगे, फिर जब ट्रैफिक थोड़ा कम हो गया तो 2 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसे 1 मिनट लगे। तो इस टाइप के मोशन को भी हम नॉन यूनिफॉर्म ही बोलेंगे, ठीक है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, या तो इक्वल डिस्टेंस के लिए इक्वल टाइम नहीं लग रहा है, तो दोनों को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और डिस्टेंस और टाइम ड्यूरेशन दोनों सेम हो तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। आ गया सबको समझ में, ठीक है। और हाँ, उसके बाद ये मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन, मतलब कि आप बोलते हो ना स्पीड, कार 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रही थी या तो 35 किलोमीटर की स्पीड से जा रही थी, मैं बाइक 40 किलोमीटर की स्पीड से चला रहा था या तो 60 किलोमीटर या तो 80 किलोमीटर की स्पीड से चला रहा था, बोल रहे हो ना, उसे बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं, जो स्पीड आप वर्ड यूज करते हो ना उसे बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ मोशन। तो ये क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज हम ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन तक रखते हैं, ठीक है।